जी मैंने जी मैंने जो ये विषय देखा जो अनंतनाग से मेरी कश्मीर की माँ बहने प्रधानमंत्री से बात कर रही थी ये भी आप देखिए कश्मीर का एक जर्रा है सही अकासी है उनकी इनोसेंस उनकी दयानत वो सही कह रही हैं उनसे मैं मैं इसकी वजह आपको बताऊं पॉलिटिकल नहीं है देखिए दरअसल ये जो उज्ज्वला स्कीम है इट इज़ कनेक्टेड डायरेक्टली टू द राइट टू डिग्निटी आर्टिकल ट्वेंटी हमारी जो महिलाएं हैं सारे मुल्क में जिनके पास ये जख़ीरा नहीं है जो ये जिनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है क्योंकि मैं जब 2008 में मैंने इलेक्शन लड़ी थी मैं हार गई थी वो इलेक्शन जब भी मैं कुप्वारा सारे महिलाओं से मिली थी सब की यही प्रॉब्लम थी कि हम हमें ये चूल्हा हमें गैस दे दी बिल्कुल सो so, ये एक अच्छी स्कीम थी और इस स्कीम में शायद 8000 करोड़ या 25000 हजार करोड़ लोगों को अगले तीन साल में फायदा होगा अभी तक डेढ़ करोड़ महिलाओं को शायद फायदा हुआ है तो इसमें ये महिलाएं जो हैं बिना किसी रिलीजन के ये ये इसमें वार्म अप हो जाएंगी क्योंकि ये अक्कासी करता है जो चीज तो इसका मतलब, नहीं मिली थी आज इसका तक, मतलब जो दुआ दी गई अनंतनाग से कि नरेंद्र मोदी जी को कि अगले साल फिर सरकार बनाए यू वेलकम सुनिए आप तो नरेंद्र मोदी की विरोधी रही हैं बीजेपी की विरोधी रही हैं मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा पूछा देखिए क्यों ये जो देखिए अगले दे, बार सरकार बननी चाहिए उन्नीस में मोदी जी की देखिए मैं नरेंद्र मोदी साहब की सुनिए सुनिए उनको हक है वो जो मेरे हमारी कश्मीर की माए बहन उनको हक है अब डेमोक्रेसी है उनको आप क्या चाहती है उनकी बात तो सुनी मैंने उनको आपने इंदौर से मान रहा हूँ महीना है आप क्या चाह रही हैं आप भी चाह रही हैं बात कि सरकार बने फिर से बीजेपी की नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में सुनिए एक बात है मैंने हाँ देखे, देखे, मैंने या हाँ या ना देख, हाँ ना देखिए पहले ये ये मसला है देखिए मैं नरेंद्र हाँ। सुनिए बीजेपी की सरकार नहीं मैं नरेंद्र मोदी साहब का हमेशा मैंने ये कहा कि ये पर्सनल करिश्मा वो कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ और कॉमन इंसान के साथ उनका कनेक्ट जबरदस्त है लेकिन बहस मुसलमान के मेरे दिल में बीजेपी के खिलाफ एक भय पैदा हो गया आज ही देखिए हिंदू समाज झारखंड में उन्होंने ये कहा कि हम मुसलमान मुक्त भारत करना चाहते हैं तो देखिए दयानंद का तकाजा एक मुसलमान के नाते प्रॉब्लम खौफ भी मैं ये झारखंड में किसने कहा है नहीं चम्मने? नहीं झारखंड में ये जी ये सारे वीडियो ये वायरल हुआ हुआ है मैं एक एक ये वायरल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मत जाकर आपने पढ़ी लिखी सिविलाई सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है लेकिन आधी चीजें फेक चलती हमारा आप रोज बात करते हैं नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी साहब के वो करें वो नहीं कम 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 से से नाजिया इस बात को मानना होगा बहुत शब्द आज नरेंद्र मोदी के करिश्मे को मान रही है और सपोर्ट कर रही है भले है, ही बीजेपी को लेकर उनके अप्रीहेंशन है मेड बेट को आगे बढ़ाऊंगा फाइन बेग में आऊंगा आपके पास मैं क्यों